अम्मा जी की गजब मशीनें। लेखन और चित्रांकन राजीव आईब, अनुवाद ऋषि माथुर, प्रकाशन प्रथम बुक्स। अम्माची अम्माची, क्या आज नारियल की बर्फी बन सकती है? बड़ा मन हो रहा है खाने का, सूरज ने अपने दादी से कहा। बन तो सकती है, लेकिन इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, करोगे ना? वाह भाई वाह, अब आएगा मजा। आपने मेरी बात मान ली? सूरज की खुशी का ठिकाना न रहा। मान ली, अम्मा जी ने कहा। देखो, हमें सिर्फ वही नारियल तोड़ने हैं जो अच्छी तरह पक चुके हैं, समझे? जो भूरे हो चुके हैं पूरी तरह से। पचके, ये आया, कहीं गिरे न सर पर। साईं, धड़ा। चलो अब नारियल की जटा निकाले। चिर चीर भट किर। सूरज के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई, गुड़ गुड़ गुड़। अम्मा जी खिलखिलाकर हंस दी। फिर हम इसका खोल तोड़ेंगे, ऐसे खड़ा। और अब कोपरा कस से इसका बुरादा बनाएंगे, ऐसे। इस बुरादे को चीनी और बाकी सारी चीजों के साथ आंच पर चढ़ी कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह यूं चलाना होगा। कितनी अच्छी महक आ रही है इसमें से बम्माची। अब इसे इस बर्तन में उंडेलकर फैलाकर जमने और ठंडा होने का इंतजार करना होगा बेटा। और अब बारी है सफाई से इसकी छोटी छोटी कतलियां काटने की। क्या बात है, हमारी नारियल की बर्फी हो गई तैयार, और चखने के लिए मुंह में आने लगी लार। सरल मशीनें हैं औजार। सरल मशीन वह साधन है जो किसी काम को आसान बनाने में मददगार होते हैं, यानी सीधे सरल औजारों को हम सरल मशीन कह सकते हैं। जैसे एक, ढलवां सतह, दो, बल्ली, तीन, पहिया और धुरी, चार, गुल्ली, पांच, गरारी, छह, पेंच। क्या आप वह सभी सरल मशीन पहचान सकते हैं जिनका सूरज और अम्माची ने नारियल की बर्फी बनाने के लिए इस्तेमाल किया? हमें जवाब देने का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करनी है, यह बहुत जरूरी है।